नमस्कार दोस्तों, सीएस इन्फो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके लिए हर टाइम हर समय न्यू अपडेट लेके हाजिर होती है हमारी टीम। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि हमने एक कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया गया था पीएमजी दिशा जीमेल वेरीफाई ट्रिक 2021। लेकिन दोस्तों 2023 आ चुका है, अभी तक ये ट्रिक काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, इसके बारे में भी आपको पूरा जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों ये ट्रिक और किस किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस किस सर्विस में आपको ये काम करने की ज़रूरत पड़ती है कि जिसमें आपको ज़्यादा जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनमें अपनी खुद की जीमेल आईडी किस तरह से लगा सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में बताया जाएगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सीएससी के रिलेटिव जितने भी नए अपडेट आएंगे वो सभी आपको हमारे इस चैनल पर दिए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं, जो जीमेल वेरिफिकेशन ट्रिक है ये पीएमजी दिशा में काम कर रही है, लेकिन जो आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है या फिर पीएमजी दिशा टीम है, उनकी तरफ से इस सर्विस को स्टॉप करने के लिए बोला गया, क्योंकि जिस पर्सन ने पीएमजी दिशा में काम कर रहा है, चाहे वो वीएलए या फिर वो एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, वो एक जीमेल से ज़्यादा वेरिफिकेशन कर रहा है, तो उनका जो पेमेंट है उसको होल्ड में रखा जाएगा। तो दोस्तों इस वजह से जो नए वीएलए है उनको यही बताना चाहेंगे कि इस ट्रिक को अब आप यूज़ ना करें, आपके लिए एक सेकंड और ट्रिक लेकर आएंगे जिसमें आप जो भी काम करेंगे आपका 100% काम बिल्कुल सही होगा और आपकी पेमेंट भी होल्ड में नहीं होगी। तो वो ट्रिक आपको सेकंड वीडियो में बताई जाएगी। लेकिन दोस्तों इस ट्रिक से आप अब क्या क्या सर्विस में काम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप एक कैफ़े वाले हो, आप किसी पर्सन की पोस्ट फिल करते हो, स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, उनके पास अपनी खुद की जीमेल नहीं होती है, तो आपको दिक्कत आ जाती है कि आप अपनी पर्सनल जीमेल लगानी पड़ जाती है, तो आप एक पर्सन के एक जीमेल ही लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों आज आपके लिए यही ट्रिक दोबारा से रिपीट करने वाला है, अगर आपके पास 10, 20, 30, 40 जितने मर्जी स्टूडेंट्स आ जाए, आप एक जीमेल आईडी से उन सभी की पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, वो भी एको जीमेल आईडी के जरिए। तो यहाँ पर हम आपको लेकर आएंगे एक ऑफिशियल जो वेबसाइट है जिसका नेम है generator.email.in। तो दोस्तों इस वेबसाइट के जरिए, इस ब्लॉगर के जरिए आप ये ट्रिक में काम कर सकते हो। तो आपको क्या करना था, सिंपली प्रोसेस है दोस्तों, आपको अपना वही जीमेल आईडी यहाँ पर डालना होगा जिस जीमेल आईडी को आप ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर उस जीमेल आईडी का नेम लिख देना जो जीमेल आईडी के जरिए आप अपना जो काम है उसको करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने जनरेटर लिखा है, generator@gmail.com। इसके अलावा जनरेटर की जो ओ और आर के बीच एक डॉट लग गया है, उसके बाद इन दोनों के बीच डॉट लग गया, इनके बीच इसके तरह के, इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हो मैनी जीमेल आईडी आपकी क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कोई और जीमेल आईडी, तो यहाँ पर हमने एक नई जीमेल आईडी को सर्च किया जिसका यहाँ पर आप देख सकते हो जो इतने डे में आपका अप टू वैलिड रहेगा, और इसमें आप जितनी भी जीमेल है जैसे आपने यहाँ पर डॉट लगा सकते हो, यहाँ पर तो आप इसको एक जीमेल आईडी को 1000 बार एक ही वर्क में लगा सकते हो। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी फॉर्म फिल करने जाते हैं सीएससी में या फिर सीएससी के अलावा, तो यहाँ पर हमको बोला जाता है कि आपको हर बार अलग अलग जीमेल आईडी की लगाने की ज़रूरत है। तो आपके पास अलग अलग जीमेल आईडी नहीं होती है, तो आपको सिंपली प्रोसेस है, जैसे हमारी जीमेल आईडी है nitacse@gmail.com, तो ये एक जीमेल है हुई। अगर आपको दो बार लगाना है तो आप फर्स्ट में डॉट लगा दो, अगर आपको एक बार और लगाना है आप सेकंड में भी डॉट लगा दो, एक बार और यूज़ करना है तो आप यहाँ पर डॉट लगा दो, एक बार और यूज़ करना है तो आप यहाँ पर डॉट लगा दो, एक बार और यूज़ करना है तो यहाँ पर डॉट लगा दो, एक बार और यूज़ करना है तो यहाँ पर डॉट लगा दो, और एक बार और यूज़ करना है तो यहाँ पर डॉट लगा दो। तो इस तरह से आपकी एक जीमेल आईडी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यूज़ होगी। लेकिन दोस्तों आप 8 से ज़्यादा बार कैसे तरह से यूज़ करें, तो जो सबसे पहले वाला डॉट है उसको हटा दो, आपकी 9 बार होगी, इसके बाद अगला डॉट हटा दो,
एक बार और बढ़ गया, इसके बाद अगला डॉट हटा दो, एक बार और बढ़ गया। तो इस तरह से आप एक जीमेल आईडी को कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बार यूज़ कर सकते हो। वो आपके जीमेल आईडी पर डिपेंड है कि वो कितनी लंबी है, कितना ज़्यादा उसमें जो आपका नेम लिखा हुआ है। तो इस तरह से ज़्यादा काम ले सकते हो। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें आपको जीमेल एक बार में ज़्यादा बार यूज़ करनी होती है, तो आप उस जीमेल को इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह के जो नए नए अपडेट हैं वो आपको हमारे इस चैनल पर मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेटवर्क के साथ नए अपडेट साथ।